ए पीछे ये अब टीप के करके क्या करोगे भाई? हो गया टाइम, हाथ ऊपर, पेपर उठालो ऊपर, हाथ ऊपर, अब छोड़ दो पेपर, इतनी देर में नहीं कर पाएंगे तो अब क्या कर लोगे? हैं प्रभु बताओ भाई, दिल्ली पुलिस वाला ध्यान रखना, जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए काम की क्वेश्चन है ये। आपको बताना है किस दर्पण व लेंस को अभिसारी कहा जाता है? अवतल दर्पण लेंस को अभिसारी कहा जाता है? ऑप्शन में भी यही है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या समलत दर्पण व उत्तल लेंस। समतल लेंस, समतल दर्पण व उत्तल लेंस। पक्का है या तुक्का? नहीं सर पक्का है। खड़े हो देखे मुन्नी जी, प्रकाश का वेग का सफल प्रयोग किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, रोमन ने, आइंस्टीन ने? भाई वाह, आइंस्टीन ने कब कर लिया रे? हाँ तुमने देखा था क्या? बता दे, खड़ा चेक करना है, किसने किया था? रोमर ने। ये रोमर बता रहा है, इसने रोमर को देखा है। अरे तूने आइंस्टीन को देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? रोमर सही है। तुमने सबने रोमर को देखा है? हाँ। बोलो सबने रोमर को देखा है, केवल एक तू अकेली है जिसने आइंस्टीन को देखा है। आइंस्टीन ने क्या किया था? प्रकाश का बल विक्षेपण का। वो तो गलत जगह देख लिए, बैठ नीचे। बताओ भाई, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, विसरण के कारण, प्रकीर्णन के कारण या परावर्तन के कारण? परावर्तन तो ऑप्शन में नहीं है, प्रकीर्णन, अच्छा परावर्तन के कारण। अरे आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? ये सब प्रकीर्णन बता रहा है, तो अकेला परावर्तन बता रहा है, ऐसा क्यों है? खड़े हो जाइए बावरिया जी। ओ बावरिया, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, क्रेस्टोग्राफ, एक्टिनोमीटर, बेरोमीटर। हैं? अरे बेरोमीटर कहते हैं? बेरोमीटर को तो मुझे भी पता है, वायुदाब को मापता है बेरोमीटर। तो क्या बोलते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को? ये किसी को नहीं पता। अरे एक्टिनोमीटर या एस्ट्रोमीटर? एस्ट्रोमीटर वो अलग बता रहा, कौन सा बता रहा बता देंगे? हाँ तो एस्ट्रोमीटर वही फर्स्ट वाला ही बता रहे हैं, वो क्या सेकंड वाला बता रहे हैं? अलग से बोल के होशियार हो रहा है। हैं इधर आओ देखो, सही उत्तर बताने वाला नीचे बैठ, ये बताओ सही उत्तर। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, मास्टर आदमी है, मास्टर बता देंगे। तू भाई बता दे, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हाइड्रोजन, आर्गन गैस, हीलियम, हीलियम और ऑक्सीजन। अरे गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, हीलियम। अरे तेरा तुक्का भी गलत हो गया, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, हीलियम। और हाइड्रोजन में, इसमें गुब्बारे में हाइड्रोजन। तो पहले गलत क्यों बता रहा था? भर लिए भाई। हाँ खड़ा हो प्रभु, क्या नाम है? वनस्पति घी निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? हीलियम से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बताओ भाई वनस्पति घी। तुम कहाँ थे उस दिन प्रभु? खड़े हो देखे छाटे आने, अरे बारिश आने दे, तेरा क्या जा रहा बारिश में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 14 से अधिक? 7 के बराबर। वैसे 7.4 होता है ना, बराबर 7। खड़ा होता फिर आज की, अरे फिर तो सही होना ही था, गलत क्वेश्चन पूछ लिया, आज की क्लास में पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछ लिया भाई। बारिश में तो मजा ही लगे। जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण है उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं जिसमें हम मुकड़ा देख रहे हैं? अरे रुक जा, ये क्वेश्चन मुझे किसी और से पूछना है। कहाँ हो लड़की सुमन? हाँ कहाँ है? अरे उसी से पूछना था ये क्वेश्चन, कहाँ हो? हाँ अरे उसको गलत अंदर भेज दिया, उसी से तो क्वेश्चन पूछना था, वो दर्पण लेके घूमती है। खड़े जाओ बेटा, अरे उसी से पूछ रहे, उसको बाहर बुलाओ एक बार। हाँ उसको तो बुलाओ, बुलाओ उसको तो, पक्के पूछ रहे मुझे क्वेश्चन।
बताओ देखें, जो शीशा होता है कौन सा दर्पण होता है? ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? हाँ, दाढ़ी बनाना बोल लो या मुखड़ा देखना बोल लो, एक ही बात है। कौन सा आता है? अवतल लेंस। अरे मुख्य 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 आदमी से ये वही है ना, बिहार वाला, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट। हाँ अरे ये तो वो है लॉर्ड वाइसराय वाला। बेटे तेरे पढ़े हुए हैं क्लास में? पढ़े हैं थोड़ा सा, जो इधर वाले पढ़े। अच्छा इधर वाले पढ़े हैं, तो इधर वाले बोले नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत है? मेलिकम्ल, साइट्रिकम्ल, टाइट्रिकम्ल और एसिटिकम्ल। अरे नींबू किसका समृद्ध स्रोत है? हाँ साइट्रिक अम्ल। हम गलत कहाँ बता रहे भाई? किसने बोला हमने बताया गलत है? अरे हमने जब गलत नहीं बताया तो काहे घबरा रहा है? अरे चुनिंदा जवान कहाँ है? हाँ साहिल खड़ा हो जा, आजा सुमन, आजा बेटा आजा, तेरे काम की क्यों सुना रखा है यहाँ पे? आजा 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 बेटा डंडे खाने के लिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है बेटे? सात। हाँ नहीं ना 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 ना, ना सात कैसे हो सकता है? सात तो अभी भी बताया उन्होंने बराबर। अरे तो मैं बोल रहा हूँ अम्लीय वर्षा का, अम्लीय का मतलब वो बराबर तो है ही नहीं मामला। अरे अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है? 5.6 है आज ही क्लास। अरे भाई खड़ा हुआ वापस फिर से आज ही क्लास में। हाँ सुमन खड़े जो बेटा, तेरे काम का एक क्वेश्चन आ रखा है, कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ हाँ इधर है बेटा इधर। ये मतलब तेरे को बताना है, बताना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है ना, वो कौन सा दर्पण होता है जिसमें तू कल मुखड़ा देख रही थी? वो दर्पण कौन सा जिसका तेरा ही तोड़ा था ना, वो शीशा कौन सा था बताना? अवतल दर्पण, ऑप्शन ही दे रहा हूँ ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। मुखड़ा ही देखती रहती है पूरे दिन कांच में, मैं थोड़ी देख रही थी। वो किसका था फिर मुखड़ा देखने वाला? वो किसी लड़की का था, मैं थोड़ी वहां से लेके आई थी। लड़की का था मतलब तू भी लड़की ही है? बता दे फिर। अवतल क्या, लेंस या दर्पण? दड़बड़ दड़बड़ नहीं है के बोल रही है, दड़बड़ दड़बड़ क्या है? अवतल लेंस। अवतल दर्पण। वो उसने इशारा कर दिया दर्पण दर्पण। मैंने उसको देखा ही, उनको देखा ही नहीं मैंने। इससे बड़ा कोई झूठा नहीं होगा। नहीं सर, मैंने उनको नहीं देखा। रसम चंद्र ठाकुर खड़ा हो जा। ठाकुर ठाकुर सर, सिर्फ पीछे वाला पढ़े क्या? किस किसके वाले पढ़े? पीछे वाले, ये वाले? तो इसमें से पूछ लेते हैं भाई, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ऑप्शन ने ऑप्शन दीजिए। अच्छा ऑप्शन देना है, एसपीएल सारेंसन, बोलो मत तुम, बेंजाइन फ्रैंकलिन, हेनरी मोसले, विलियन रोडजन। एसपीएल सोरेनसन सही है इसका आंसर? यस सर। अरे मुझे पूरा भरोसा था ये सही आंसर देगा। खड़ा हो जा प्रभु। लेकिन ये तो अभी कल ही है, क्या बताएगा, बैठ जा। अच्छा आज आज का भी है कि पेपर में? हाँ तो कौन सा नंबर क्वेश्चन आज का? लास्ट वाले। ओके ठीक है, ये बढ़िया काम किया तुमने। ऑक्सोलिक अम्ल में पाया जाता है सिरका में, संतरे में, पालक में या चींटी के डंक में? ऑक्सोलिक अम्ल संतरे में। अरे ये बता रहा भाई, ऑक्सोलिक अम्ल संतरे में पाया जाता है, सही है क्या? तो फिर किस में पाया जाता है? तो क्लास में कहाँ जान? अच्छा ये कभी आया था? परसों आया है। अच्छा अभी दो तीन दिन वो घर के ख्याल सताते रहते हैं कि हाँ घर पे होते तो ऐसा होता, वो घर वाले ख्याल छोड़ देने, ठीक है? आज ही पढ़ाए थे, क्यों याद नहीं है भाई? अरे रुको भाई, हमको चुनिंदा जवान चाहिए, इसे पूछ लेना लेजेंड। एक मिनट एम लिख, निम्नलिखित में से, अच्छा रुक जाओ, ये तो बता दिया। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? NO, CO, CO2, SO2। अरे सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 नहीं होगा, सिर्फ CO होगा। क्या होगा? सिर्फ, जबकि आप क्या बता रहे हो? CO2 है। नहीं आप क्या बता रहे हो? SO2। अरे
और बारिश आ गई है। लाइन तोड़, दौड़ के निकल जल्दी। अरे ओमा रुक जा, बारिश में रोक लेंगे। ओमा इधर। क्या हुआ, क्लास क्यों नहीं ली? कब आया था घर से? इधर। कब आया था? कल आया था। वो तो क्लास क्यों नहीं ली है? क्या अरे तेज बोल। अच्छा क्लास के एक दिन चार दिन घर के रह ले, तेरे को पता ही नहीं है, है? क्या नहीं आवा तो सवाल, तू क्लास क्यों नहीं लिया? क्लास तो ले तो सर। है? क्लास तो दे सकते। अरे इधर लगे थे, माइक लगे थे, मैं तो भीगूंगा।